शादीशुदा लड़कियां ये वीडियो जरूर देखें, पतियों के ऑफिस जाने के बाद एक बार देवरानी और जेठानी के बीच कहां सुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक ना देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ा समय बीतने पर जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। जेठानी थोड़ा ऊंचे स्वर में बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, दीदी मैं। जेठानी ने दरवाजा खोला और बोली, अभी तो तुम मुझसे कभी ना बात करने की कसमें खाकर गई थी, अब क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी सोचकर तो वही गई थी, लेकिन माँ की कही एक बात याद आ गई कि जब किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद कर लेना, और मैंने भी वही किया और मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गए और साथ बैठकर चाय पीने लगी। तो बहनों, जब भी कभी आपके जेठानी या देवरानी से खासुनी हो जाए तो उसे लंबा ना खींचे, वक्त रहते मामले को सुलझा लें और बात को वहीं खत्म कर दें, और अपने प्यारे से रिश्ते को कभी टूटने ना दें, क्योंकि इस जन्म में आपकी देवरानी या जेठानी वही बनती है जो पिछले जन्म में आपकी सगी बहन रह चुकी होती है।